डकरा वीआईपी क्लब में 9 दिसंबर की विशाल विरोध प्रदर्शन को लेकर संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अमर भूषण सिंह और संचालन शैलेश कुमार ने किया। बैठक में सभी ट्रेड यूनियन के क्षेत्रीय और शाखा स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में विरोध प्रदर्शन को लेकर सभी परियोजनाओं में 5 दिसंबर से गेट मीटिंग करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कोयला मजदूरों को वेतन समझौता में हो रही विलंब की बारीकी से जानकारी देते हुए इस विरोध प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने को लेकर चर्चा की गई। संयुक्त मोर्चा की बैठक को प्रेम कुमार, विनय सिंह मानकी, शैलेश कुमार, सुनील कुमार सिंह, बीएन पांडे, डीपी सिंह, हरेंद्र सिंह सहित कई नेताओं ने भी बारी बारी से संबोधित कर 9 दिसंबर को आहूत विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की। बैठक में पज्जू महतो, जगन्नाथ महतो, देवपाल मुंडा, शैलेंद्र कुमार सिंह, उदय कुमार सिंह, ध्वजाराम धोबी, संजय प्रसाद, रंथू राव, जगदीश चौहान, रमेश कुमार सिंह, राम सेवक राम, किशुन राम, गुलाब चंद, राम चरण, वरुण कुमार, मोहम्मद इस्लाम समेत कई लोग मौजूद। देखिए, बेंच बोर्ड पहले भी लेट से हुआ है, 6 महीना जितना भी बेंच बोर्ड देख रहे हैं हम लोग नौकरी आवर में अपना ऐसा नौकरी हो गया। सभी बेंच बोर्ड लगभग 6 महीना साल भर 14 महीना में तय हुआ है। इस बार भी लगभग 1.5 साल हो गया है और 7 बैठक हो गया है, लेकिन इसमें कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा। ये सबसे बड़ा दुख की बात है, 1.5 साल में 7 बैठक हुआ और कोई निर्णय नहीं निकला। तो ये बैठक एगो जो भी कहा जाए, मान लीजिए टाइम फिल्डअप हुआ और उसी संदर्भ में केंद्रीय नेताओं ने तय किया विरोध प्रदर्शन 9 तारीख के हर एरिया में यूनिट में करके अपना एक सरकार को मैसेज दिया जाए, चेयरमैन को मैसेज दिया जाए। लेकिन चलिए, हम लोग तो केंद्रीय नेतृत्व के भाई पालन करता है, तो जैसा आदेश देंगे हम लोग का नहीं है, क्योंकि मान लीजिए उनका ही गति से हम चलते हैं तो ये भी एक हम लोग का एनर्जी खपत होगा अभी इस तरह के कार्यक्रम में, क्योंकि प्रबंधन और सरकार ये सब हड़ताल की ही भाव समझता है और जब हड़ताल होगा तो उन लोग भी बेचैन हो जाता है, किससे समझौता किया जाए, बैठक किया जाए सब। लेकिन अभी तक कुछ नहीं निष्कर्ष निकला तो हम लोग भी दुखी है और हम लोग एम्प्लॉय वर्ग अभी सभी के बात ध्यान से हम भी सुने, हम लोग एम्प्लॉय है, बाद में नेता है, इसलिए हम लोग को भी चिंता है जब जितना जल्दी लागू हो और हम लोग अपना पेमेंट स्लिप पे देखें। इसमें बातचीत हुई वो अलग मुद्दा है और अभी जो वेतन समझौता का है तो ये भी सच है कि आज तक कोई वेतन समझौता बिना विरोध का नहीं हुआ है, इसलिए विरोध का जरूरी है। और 9 तारीख को जैसे अभी कुछ वर्कर हम लोग से मिलकर कह रहे थे क्या ये प्रदर्शन करते हैं, जो है सो सीधे हड़ताल का नोटिस दीजिए। तो साथियों, जैसे कुछ साथी आशंका किए कि नेतृत्व पर या कि भाई मजदूर का दिल जीतने की बात है, जैसे वो बताए कि कुछ लोग हट जाते हैं, तो ये जो समस्या है भाई, तो मजदूर को भी समझ, आज वेतन हम समझौता कोई नेता अपने लिए नहीं कर रहा, मजदूर के लिए कर रहा, तो मजदूर को भी समझना होगा। जैसे ध्वजा जी बोले कि बहुत लोग जो है सो हम लोग समझाते हैं तो भी नहीं समझते हैं। आप देखिए कि हम लोग जीएम ऑफिस पर ही प्रदर्शन करते हैं और आप देखिएगा 9 तारीख को कि जीएम ऑफिस में जितने आदमी काम करते हैं सब वही काम करते रहेंगे, वो निकल के नहीं आएंगे अपने प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए, क्योंकि बेंच बोर्ड उनको भी मिलना है।